हमारी पाक किताब में ये लिखा गया है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तुम आयम के 100 लोगों ने ये पाक किताब पढ़ी है, बाकी के हमारे 17 करोड़ मुसलमानों को पढ़ना नहीं आता। आज मैंने बदला। उस दिन तक बॉम्बे पुलिस के हाथ कायदे और दायरे ने बांध रखे थे, मैंने वो हाथ खोल। जिंगोइज्म वर्सेस पेट्रियोटिज्म, किस फॉर्मूला को जॉन अपनी फिल्मोग्राफी में फॉलो करते हैं? जॉन अब्राहम एज अ प्रोड्यूसर किस तरह फिल्म से इम्पैक्ट क्रिएट करने में सफल साबित हुए हैं? पिछले कुछ समय से हमें इंडियन सिनेमा में पेट्रियोटिक फिल्म्स की एक नई लहर चलती हुई दिखी है। पहले की पेट्रियोटिक फिल्म्स अधिकतर मिलिट्री या फिर वॉर बेस्ड सिचुएशन पे हुआ करती थी, जैसे कि LOC, कारगिल, बॉर्डर, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। लेकिन अब ये जीनर और भी ज्यादा डिटेल में स्टोरीज खंगाल रहा है। स्पेशली जॉन अब्राहम और अक्षय कुमार जैसे स्टार्स ऐसी स्टोरीज को ऑडियंस तक पहुँचाने जा रहे हैं जो कि एक सोल्जर से लेकर एक कॉमन मैन तक के पेट्रियोटिज्म को पर्दे पर दिखा सके। जॉन कैसे इंश्योर करते हैं कि इनकी फिल्म्स पेट्रियोटिज्म की राह पे चलते चलते कहीं जिंगोइज्म की तरफ ना बढ़ जाए? इसी बारे में आज की ये फिल्मी टॉक है मेरे यानी कि पंखुरी के साथ। स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। सबसे पहले तो आपको इन दो भारी भारी शब्दों का मतलब समझा दूं। पेट्रियोटिज्म का सीधा साधा मतलब है अपनी कंट्री के लिए लगाव, देश सेवा की भावना। लेकिन जिंगोइज्म इन्हीं सबको एक्सट्रीम लेवल पर ले जाना, सिर्फ अपने ही देश को खिलाड़ी समझना और बाकियों को चीनी कम पानी समझना। तो ऐसे में इन दोनों के बीच एक बहुत ही थिन लाइन हुआ करती है और आजकल तो वैसे ही नेशनलिस्टिक थीम सिनेमास का वेव चल रहा है। ऐसे में जॉन अपनी पेट्रियोटिक फिल्म्स में ये बड़ी सावधानी से इंश्योर करते हैं कि जिंगोइज्म का कतरा भी यहाँ तक ना पहुँच सके। खुद भी जॉन काफी पेट्रियोटिक हैं और इसी फीलिंग को ये हूबहू पर्दे पर पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। अपनी स्टोरी टेलिंग में एक क्रेडिबल और रिस्पॉन्सिबल अप्रोच लेकर आते हैं और इसी बात का खासा ध्यान रखते हैं कि स्टोरी को सिर्फ कमर्शियल सक्सेस बनाने के लिए ओवर ड्रामेटिक बिल्कुल ना बना दिया जाए, क्योंकि ऑडियंस काफी स्मार्ट है। वो झट से पकड़ लेती है कि कहाँ फिल्म ऑथेंटिक है और कहाँ ये अपने प्रॉफिट को लेकर एजेंडा रन कर रही है। अभी तक जॉन इन थिन लाइन को क्रॉस करते हुए नहीं दिखे हैं और इनकी पेट्रियोटिक फिल्म्स को जनता ने सर आंखों पर रखा है और इनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में भी अटैक और सत्यमेव जयते 2 जैसे पेट्रियोटिक सिनेमा ही शामिल है। अभी तक के इनके पेट्रियोटिक सिनेमा ने तो अपनी ऑथेंटिसिटी में 100 में से 100 अंक बटोरे हैं। फिर चाहे बात परमाणु की हो या फिर बटला हाउस की, इन्होंने स्टोरी को ज्यादा तोड़े मरोड़े बिना पेश किया है और सभी एस्पेक्ट्स को दर्शाया है। ना अच्छे एस्पेक्ट्स को बोस्ट किया है और ना ही बुरे एस्पेक्ट्स को कारपेट के नीचे रखा है और इसी न्यूट्रल अप्रोच से अभी तक भी जॉन के पेट्रियोटिक सिनेमा की डिमांड लगातार बनी हुई है। जॉन एज एन एक्टर तो कमाल के हैं ही, लेकिन एज अ प्रोड्यूसर रहे हैं उससे भी ज्यादा लाजवाब। इन्होंने हाथ ही ऐसे खदान में पाया है जहां से शॉर्ट शॉर्ट मुनाफे की गारंटी हो। स्पेशल मेंशन यहां पर आ रहा है विकी डोनर यानी कि फिल्म का, जो कि 2011 में आई थी। जॉन ने उस समय जे फिल्म से एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर दाव खेला जो कि एक टबू समझी जाती थी। क्या है ना कि उस समय OTT तो था नहीं और ऐसा कुछ मैटर लोग पहली बार देखने जा रहे थे। ऐसे में सब मिथ्स और टबू को दरकिनार करके पाथ ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट को बैक करने का एक डेयरिंग काम कर रहे थे जॉन, जिसमें वो बखूबी सफल हुए। सिर्फ यही नहीं, अपने लिए जॉन जो पेट्रियोटिक सिनेमा का जीनर डिस्कवर कर चुके हैं उनमें से अधिकतर फिल्में ये खुद ही प्रोड्यूस किया करते हैं और आगे भी अटैक जैसी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो निश्चित ही अपने इस नेशनलिस्टिक सिनेमा अप्रोच से ये काफी दिलों में वो देशभक्ति की भावना जगा पाने में काबिल साबित हुए हैं। तो इस तरह जॉन प्राइम एग्जाम्पल बन जाते हैं टैगलाइन सिनेमा फॉर अ ग्रेटर कॉज के। जॉन की पेट्रियोटिक सिनेमा अप्रोच के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो फटाफट इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। आज की स्क्रिप्ट लिखी है पंकज ने।